हेलो गाइस, वेलकम टू माय थर्ड ट्यूटोरियल। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में आप वेरिएबल्स कैसे मान सकते हो। इसमें वेरिएबल्स जैसे ए बी सी कुछ भी, और आप इसमें कैसे असाइन कर सकते हो वैल्यू। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है और मुझे भी काफ़ी मज़ा आने वाला है बताने में। तो शुरू करते हैं इसको। आर खोलते हैं सबसे पहले। हाँ, दिस इज़ द आर। मैंने दरअसल इसमें जब ये डाला था ट्यूटोरियल, मैं ऐसे ही खोल रहा था, तो यहाँ से हम लोग, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ से हम लोग जा करना एक न्यू प्रोजेक्ट होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमसे नाम वाम पूछता है, आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हो, या चलो एक नया प्रोजेक्ट बना दें। रुको एक मिनट, एक नया प्रोजेक्ट खोलते हैं आज। एक चीज़ और बता देते हैं, इसको सेव नहीं करते, कुछ फ़ायदा नहीं है इसको सेव करने का। न्यू प्रोजेक्ट, कैंसिल आ चुका था। देखो यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी दिख रही है, यहाँ पे आप क्लिक कर दो और एम टी प्रोजेक्ट एक आप यहाँ पे बना लो। तो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ट्यूटोरियल 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 ऑफ आर। आर कर रहे हो भाई, ट्यूटोरियल ऑफ आर लिखो, क्रिएट प्रोजेक्ट। देखो वहाँ पे स्विचिंग टू प्रोजेक्ट, वहाँ पे हमें स्विच कर रहा है दूसरे प्रोजेक्ट में, तुरंत स्विच कर देगा वो। आप इसको कुछ मत देखिएगा, ये जो मुझे बताना था आपको कि वही सब चीज़ें हैं दरअसल, मैं इसको भी बताऊंगा। तो ये देखो हमारा एक और ट्यूटोरियल यहाँ पे खुल रहा है, रन कर रहा है, ये दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पर आपका लिखा है, देखो ऊपर ट्यूटोरियल ऑफ आर, ये देखो ट्यूटोरियल ऑफ आर, यहाँ पे भी देखो ट्यूटोरियल ऑफ आर। तो यही है, और पिछला वाला जो मैंने बनाया था दरअसल, वो मैंने ऐसे ही कुछ भी टाइप कर दिया था और फिर मैं आपको कुछ बता रहा था। तो अब मैं यहाँ से, अब आपकी यहाँ से दरअसल मेन चीज़ें शुरू होती हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स के बारे में, फिर आप वेरिएबल्स के बारे में, फिर आप डेटा टाइप्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें अब आप पढ़ने वाले हो। तो अब आप अपनी स्क्रीन बड़ी कर लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा मैं बताना क्या चाहता हूँ, और थोड़ा गौर से देखिएगा, समझ आएगा, बहुत ईजी है और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो हमने, हाँ वहाँ पे मैं न्यू पे गया था, यहाँ पे न्यू फाइल पे जाकर आप आर स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो आपका एक आ जाएगा एडिटर कुछ इस नाम से। अब आप एक काम करो यहाँ पर, अब आप, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स। देखो जैसे मान लो मैंने ए टाइप करा, ए कैपिटल में ए टाइप करा, ए को मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ 6, ठीक है, और बी को मैं वैल्यू दे रहा हूँ कुछ 5, एनी वैल्यू यू कैन गिव, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ए को मैं वैल्यू दी है मैंने 6, और बी की मैंने, बी को मैंने वैल्यू दी है 5। अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी लिखता हूँ, ठीक है गाइस, और मैं इसे कंट्रोल प्लस एंटर से अगर इसे मैं रन कराता हूँ, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा यहाँ पर आपको नीचे कंसोल में कि ये एरर दिखा रहा है, एरर ऑब्जेक्ट ए नॉट फाउंड। भाई साफ सीधी सी बात है, आपने सिर्फ इसको रन करा है, भाई उसको क्या पता कि ए क्या है और बी क्या है, उसको सपने थोड़ी आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, अब आप ये ग्लोबल इन्वायरमेंट दिख रहा है, यहाँ पर जैसे होता क्या है, यहाँ पे आपकी वैल्यू सेव होती है, जैसे कि मान लो ए की वैल्यू बी की वैल्यू है, तो वो पहले यहाँ पर जब तक वो दिखाएगा नहीं, दरअसल ये आपको बताता है कि अंदर कौन कौन सी वैल्यू सेव हो चुकी है। तो अगर मैं मान लो इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ से, ये मैंने कर लिया ड्रैग, अब यहाँ से मैं इसको रन करा रहा हूँ, तो आप देखो उधर देख सकते हो आप तुरंत ही इन्वायरमेंट में ए इक्वल टू 6 हो चुका है और बी की वैल्यू 5 हो चुकी है। और देखो इसने भी, देखो यहाँ पे कंसोल पर भी दिखा दिया आपको ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 5। दरअसल ये कुछ इस तरह का जब दिखा रहा है तो बहुत ज़्यादा मटेरियल दिखा रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसलिए हम इसको कंट्रोल प्लस एल से साफ़ कर देते हैं और फिर से इसकी वैल्यू रन करा देते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले से ही वैल्यू थी उसके पास, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं तो वो ओवरराइट हो जाती। अगर कोई, जैसे मान लो हम देख लेते हैं एक बार ओवरराइट होती है या नहीं, तो 7 हमने अगर क्लिक करा तो क्या ये ओवरराइट कर लेगा, बिल्कुल ये ओवरराइट कर लिया, ओवरराइट कर लिया देखिए। तो ऐसे ही आप ओवरराइट करा सकते हैं वैल्यू। लेकिन अब अगर आप मान लो ए प्लस बी करते हो, ए प्लस बी को अब आप रन करते हो, देखो इसने आउटपुट दे दिया आपका 12, तो साफ सीधी सी बात है भाई अब तो ये आउटपुट दे ही देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि अब तो इसके पास ए की वैल्यू पता है, इसको बी की वैल्यू भी पता है, तो ए प्लस बी की वैल्यू अब ये आपको दे देगा। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कुछ टाइप्स असाइन करने के लिए वैल्यू, हम लोग कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो हमने यूज़ करी थी वो थी इक्वल टू, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, एक इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इक्वल टू भी एक ऑपरेटर होता है। और लेकिन इक्वल टू के अलावा भी हम लोग इसमें कुछ वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, कैसे देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक और वेरिएबल ले लिया सी, सी में कुछ इस तरह का हम लोग अगर साइन लगाएं, इस तरह का कोई ऑपरेटर हो, ठीक है ध्यान रखना,
इस तरह का अगर कोई ऑपरेटर हो, ठीक है। तो फिर ये जो ऑपरेटर होता है ये करता क्या है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड पर हम जो भी लिखेंगे वो सी में डाल देगा। जैसे कि मान लो हम लोग इसमें लिख रहे हैं 8, तो ये क्या करेगा, सी में देखो यहाँ पर सी में 8 आ गया। इसका मतलब है कि एक ये वाला साइन भी होता है, इसका मतलब है कि हम लोग इक्वल टू के अलावा ये भी यूज़ कर सकते हैं। दरअसल यही आर में ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि इसी से हम लोग वेक्टर्स बनाते हैं। आगे हम लोग वेक्टर्स बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आप लोग के लिए, और मेनली आर में वेक्टर्स ही बना के काम करा जाता है। इसके बाद देखो, एक तो ये टाइप हो गया, और दूसरा टाइप होता है, तीसरा टाइप होता है आप फंक्शन यूज़ करके कर लो। जैसे कि आप ASSIGN असाइन डालो। देखो यहाँ पे अगर फंक्शन नहीं होता ये तो कोई चीज नहीं आती, यहाँ पे क्लिक कर दिया, या फिर आप ब्रैकेट ले सकते थे। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लो कह रहे हैं डी, एक और ऑपरेटर, एक और वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग डी। तो डी जो भी, अभी रुको, यहाँ पर हम लोग मान लो ले रहे हैं 10 वैल्यू, गलत हो गया, ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा और फिर हम लगाएंगे 10, और इसको करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पर असाइन डी 10 था, और यहाँ पर असाइन डी 10 था, और यहाँ पे देखो डी की वैल्यू 10 सेव हो चुकी है। इसका मतलब है कि एक ये भी तरीका हो गया हम लोग का, ये भी एक फंक्शन हो गया असाइन, और ये भी एक तरीका हो गया वैल्यू को असाइन करने का, राइट टू लेफ्ट। और देख सकते हो ये जो डी है, डी ये किस तरह से लिखा गया है, ये ध्यान रखना कि ये लिखना आपको ऐसे ही है, डबल कोट्स में, और फिर कॉमा लगाना है, और फिर आपको 10 लिखना है ताकि इसमें वैल्यू स्टोर हो जाए। तो ये तीन, ये इतने तरीके हैं आपको वैल्यू स्टोर करने के लिए। एक बार और मैं दिखा देता हूँ कंसोल को क्लियर करके, और इस पूरे को रन करा के, तो सेम चीज़ें क्लियर, सेम चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो चुकी है, यही मुझे आपको इस स्लाइड में बताना था। इस स्लाइड में मैंने आपको इतना बताया है कि आप कैसे वैल्यूज असाइन करोगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और आप कैसे अपनी चीज़ों को क्लियर, आई थिंक अपनी आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो ये ट्यूटोरियल भी कंप्लीट होता है यहाँ पर, और अभी हम लोग बेसिक पर ही चल रहे हैं, ये तो आपका बेसिक ही चल रहा है अभी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग थोड़ी हायर चीज़ों पर आएंगे आगे चल के। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग थोड़े ज़्यादा स्लाइड्स में, करीब 10th या 11th स्लाइड्स पे हम लोग स्प्रेडशीट बनाना सीखेंगे। फिर आपको 15th, 16th, 17th, 18th स्लाइड्स, जितनी भी स्लाइड्स होंगी उस सब में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डेटा को इम्पोर्ट कराएंगे इसमें, डेटा को आप कैसे इसमें इम्पोर्ट कराएंगे और आर में, और आर में आप इम्पोर्ट करा के कैसे उस पर वर्क कर सकते हो, कैसे उसको एनालाइज कर सकते हो, सबसे बड़ी चीज़ वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा यहाँ पर। तो ये हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।